अयोध्या में आज से 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा प्रारंभ कर दिया गया है। यह 22 जनवरी 2024 तक चलेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। आए दिन हम सभी को राम मंदिर से संबंधित नई नई खबरें देखने को मिलती हैं। आज ही 16 जनवरी सुबह 9 बजे नरेंद्र मोदी जी अपना एक ऑडियो संदेश सभी भारतवासियों के लिए जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने भाव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 6 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 6 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आप सभी को बता दें कि हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसे करने के लिए कठोर नियम होते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले से ही पालन करना होता है। जिन नियमों का पालन हमारे प्रधानमंत्री अपने अनुष्ठान में करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी का कहना है कि सेंगोल बनाने वाली कंपनी ही इस सोने की रामचरितमानस का निर्माण करेगी। इसके लिए 10,902 पदों वाले इस महाकाव्य का प्रत्येक पन्ना तांबे का होगा। हर एक पन्ने को 24 कैरेट सोने में डुबाया जाएगा, फिर उस पर स्वर्ण जड़ित अक्षर लिखे जाएंगे। इसमें 140 किलो तांबा और 5 से 7 किलो सोना लगेगा। इसकी सजावट के लिए अन्य धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस का डिजाइन भी तैयार हो चुका है और अंदाज लगाया जा रहा है कि इसे बनने में लगभग 3 महीने लगेंगे। पूर्व IAS लक्ष्मी नारायण जी का इस दान को लेकर कहना है कि सब दौलत प्रभु राम की ही दी हुई है और मैं ये उन्हीं वापस सौंप रहा हूँ। उनका कहना है कि भगवान की कृपया से मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। सरकार की तरफ से मुझे पेंशन भी मिल रही है। मैं रोटी दाल खाने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरी जीवन भर की जमा पूंजी इसलिए मेरे पास जमा हो पाई क्योंकि ये भगवान राम की ही देन है, जो कि अब मैं उन्हें वापस लौटा रहा हूँ।